पूर्णिया के तीन भाई अपने 82 वर्षीय माँ मीरा देवी एवं 85 वर्षीय पिता नाथू यादव को कांवड़ में बिठाकर सुल्तानगंज से देवघर के लिए पैदल हुए रवाना। बोल बाम, बोल बाम, बोल बाम, बोल बाम, बोल बाम, बोल बाम, बोल बाम। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त विजया जाधव ने किया MGM अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में बेड की उपलब्धता, परिसर की साफ सफाई एवं निर्माण कार्य की गई समीक्षा। महिला वार्ड में पुरुषों को बैठा देख लगाई कड़ी फटकार। एक महिला ने अपनी जमीन के दाखिल खारिज करवाने को लेकर पटना संपत चक ब्लॉक के अंचलाधिकारी पर घूस मांगने का लगाया आरोप। ऑफिस के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुकी महिला ने खुद को आग लगाने का किया प्रयास। हेलो, जो मामला उसका होगा जी सर, अरे उससे थोड़ा मामला को निष्पादन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं सीओ सर, उस पर क्या झूल किए। जमशेदपुर जिले में मोटरसाइकिल की बढ़ती चोरी की घटनाओं को देख SSP JSR श्री प्रभात कुमार ने दिए निर्देश। SP रूरल ने टीम गठित कर 5 अभियुक्तों को अलग अलग कंपनी का कुल 67 मोटरसाइकिल एवं 5 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भोपाल में EOW के छापे में सरकारी क्लर्क के घर से 80 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद, जांच पड़ताल जारी। ये फाइनल होगा ना, जो ये बतलाएंगे भी उनको भी बोलना। अच्छा आप ये बतला देना। बीते 27 जुलाई को NH-23 के किनारे से चोरी हुए ट्रेलर के मामले में बोकारो पुलिस ने जमशेदपुर से काटे गए ट्रेलर के स्क्रैप के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। छापेमारी में लगभग 1,75,000, एक कार एवं अन्य सामग्री भी किया बरामद। पुलिस अधीक्षक गुमला के निर्देशानुसार मुहर्रम पर्व को देखते हुए गुमला जिले के थानों में, गांव क्षेत्रों में किया गया पुलिस पब्लिक मीटिंग, शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने का दिया गया निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों ने शिक्षक पर अश्लील संदेश भेजने, गंदे फोन करने और नोट देने के बहाने घर बुलाने का लगाया आरोप। कुलपति से की शिकायत। एक सर है, वो मतलब हमेशा नोट से देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे, और बोलते हैं कि जो यहाँ और भी तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं, फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। बहुत चरित्रहीन है वो, और अपने तारीफ बस इसलिए करते हैं बहुत ज़्यादा। यही बताते हैं कि जो हम इतना लोग फिर ये हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे।
माहेश्वर नर्मदा नदी में नाविकों ने नावों में लहराया तिरंगा, नावों में तिरंगा ध्वज लगाकर निकाली नाव रैली। यूपी के मरोहा में कांवड़ियों ने एक युवक को मुस्लिम समझकर कर दी उसकी पिटाई, बाद में युवक के हिंदू होने की गई पहचान। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।